ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में बात करेंगे जिससे आप बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप उसे 5-6 दिन उसे सीख लेते हैं तो आप अपना स्किल लगा के बढ़िया से बढ़िया एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से वीडियो एडिटर है। तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर खोलेंगे, उसके बाद सर्च बार में सर्च करेंगे VN वीडियो एडिटर। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे ओपन दिखा रहा है। आप पहली बार जाएंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक करें, अपना वीडियो एडिटर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करना है तो सबसे पहले मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला आइकन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है या मुझे वीडियो एडिटिंग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद अपना वीडियो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे कौन सा वीडियो एडिट करना है। तो मान लीजिए मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाला एरो ब्लू कलर का एरो है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा फिर आपके वीडियो एडिटर में चला जाएगा ये वीडियो। देखिए ये वीडियो आ गया है ना, अब मुझे इसको, अब चलिए मैं आप लोग को एक एक टैब के बारे में बारी बारी बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर ओरिजिनल लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप इसमें से अपना ओरिएंटेशन रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसके लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे यूट्यूब के लिए एडिट करना है, मैं 16:9 वाला रेजोल्यूशन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, हो गया 16:9 पर यहाँ पर दिखाने लगा आपको, देख लीजिए। ठीक, अब चलिए एक एक टैब के बारे में सीख लेते हैं। देखिए फिल्टर वाला है, फिल्टर का मतलब होता है कि आप इसका कलर या ब्राइटनेस कुछ भी अपने हिसाब से। देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है फिल्टर, फिल्टर के बगल में एडजस्टमेंट। फिल्टर में आप डायरेक्टली किसी का कलर या ब्राइटनेस चूज कर यहाँ से इसका इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट में देखिए आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस पर ले जाऊंगा, उसके बाद ये इसको ऐसे करूंगा तो ये कम या ज़्यादा होगा। हो गया, और यहाँ से सिचुएशन में थोड़ा सा कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद ये सही वाला ट्रिक है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा एडजस्टमेंट हो गया, इसके मैं ये जो अप्लाई टू वॉल के बगल में जो सही का ट्रिक है उस पर क्लिक करूँगा। देखिए ये हो गया, और उसके बाद स्पीड पर देख लेते हैं। स्पीड का मतलब होता है किसी भी मोशन को तेज या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये आदमी जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो मुझे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ानी है मैं यहाँ अपना प्लेबैक ले जाऊंगा और स्प्लिट पर क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद जहाँ तक स्पीड बढ़ानी है वहाँ पर ले जाऊंगा और स्प्लिट पर क्लिक करूंगा। देखिए मुझे अगर इसमें स्पीड बढ़ानी है घटानी है तो इस पर क्लिक किया, उसके बाद स्पीड पर क्लिक करूंगा। अब इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक, फिर यहाँ पर एकदम कम करना है, फिर यहाँ पर ज़्यादा करना है, और यहाँ पर भी ज़्यादा करना है। पहले तेज जाएगा, फिर धीरे होगा, फिर तेज जाएगा। देखिए मैं इसको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये पहले तेज जा रहा है, फिर धीरे हुआ, फिर तेज गया है। ऐसे आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है किसी वीडियो को बीच से ब्रेक करके उसमें आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं या उसको उस पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीच के पोर्शन मुझे हटाना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का,
मैं यहाँ पर अपना प्लेबैक ले जाऊँगा और स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ ले जाऊँगा फिर स्प्लिट पर क्लिक करूँगा। मान लीजिए मुझे इस बीच ये वाला बीच का पोर्शन हटाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, या मुझे उस पोर्शन पर कोई जोड़ना है तो रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, मैं इस पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ शुरू होगा। देखिए आप जान गए कैसे बीच के पोर्शन को डिलीट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रिम। जैसे मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है जो येलो कलर से चारों ओर से सेलेक्ट हुआ है, उसमें मुझे राइट से कुछ पार्ट कट करना है और लेफ्ट से कुछ पार्ट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक करूँगा। ट्रिम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे मान लीजिए राइट से थोड़ा सा इतना कट करना है और लेफ्ट से इतना कट करना है, उसके बाद सही के निशान पर क्लिक करूँगा। देखिए बीच से कट हो गया थोड़ा सा राइट और लेफ्ट से। ट्रिम का और स्प्लिट का थोड़ा सा अंतर है बस। और उसके बाद आता है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स का मतलब मान लीजिए मुझे कोई इफेक्ट डालना है, ब्लिंकिंग इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कुछ इफेक्ट डालना है तो एफेक्ट्स में मैं क्लिक करूँगा और ये ब्लिंकिंग इफेक्ट है, ये ब्लिंक होगा थोड़ा सा। यहाँ से अपनी टाइमिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे इसको ज़्यादा देर तक ब्लिंक कराना है, धीरे धीरे ब्लिंक कराना है तो मैं इसको ज़्यादा कर दूँगा, और स्पीड में कराना है तो मैं इसको कम कर दूँगा। देखिए कैसे काम करेगा, इसको मैं प्ले करता हूँ, देखिए ब्लिंक कर रहा है। और भी आप अपने हिसाब से इसमें से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला डालना है मुझे। अब देखिए मैं प्ले करता हूँ, देखिए पहले कुछ इफेक्ट आया फिर उसके बाद वीडियो चल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें डिलीट बटन का क्या काम है। जैसे मान लीजिए ये मेरा वीडियो है, इसमें से ये वाला बीच वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमको हटाना है इस बीच से, तो मैं इस पर अपना प्लेबैक ले जाऊंगा और डिलीट बटन पर टैप करूँगा। देखिए बीच से पोर्शन गायब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें वैल्यूम का क्या काम है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं उसका वैल्यूम बढ़ाना है या कम करना है, लेकिन इस वीडियो में वैल्यूम नहीं है, तो हम इसमें म्यूजिक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले छोड़िए, बाद में हम म्यूजिक ऐड करेंगे। अब देखिए मान लीजिए इस वीडियो का हमें बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड कोई कलर देना है, तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी कलर सेट करके इसको थोड़ा सा, देखिए पीछे बैकग्राउंड है ना, यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं और यहाँ पीछे कुछ इमेज भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे ब्लर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इमेज हम अपनी गैलरी से उठा के डाल देते हैं, कोई भी इमेज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यही इमेज है। अब इसको अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हैं, नहीं तो कलर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद ग्रेडियंट डालने के बाद इसको अपने हिसाब से फिट कर लीजिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाने के लिए, उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें बैकग्राउंड लग गया है इस वीडियो में। अब आगे चलिए देखते हैं बॉर्डर क्या होता है। अगर वीडियो में कोई बॉर्डर देना है, जैसे मान लीजिए कि मैं बॉर्डर को क्लिक करता हूँ, इसमें कोई बॉर्डर देना है, मैं ब्लू कलर का इसमें बॉर्डर देता हूँ और यहाँ से इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉर्डर दे दिया, उसके बाद ये सही के निशान पर क्लिक कर दिया। देखिए बॉर्डर इसमें वीडियो में चला गया, देखिए वीडियो में बॉर्डर है, ठीक। उसके बाद चलते हैं क्राप। क्राप क्या होता है, जैसे वीडियो को मान लीजिए मुझे कुछ पोर्शन वीडियो में काटना है, जैसे मैं क्राप पर लेकर के दिखा देता हूँ। जैसे वीडियो को मान लीजिए इतना चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काटना है, तो मैं इसे जूम करूँगा दोनों हाथ उंगली से करके, उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर दूँगा। देखिए ये वीडियो का पोर्शन बगल से कट गया है। अब चलते देखते हैं मिररिंग क्या होता है। मिररिंग का मतलब होता है जैसे इसको उल्टा कर देना, जैसे मान लीजिए आदमी इधर है, मिरर पर क्लिक करूँगा तो इधर हो जाएगा। फ्लिप का मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं फ्लिप पर क्लिक करूँगा तो आदमी उल्टा हो गया, फिर फ्लिप पर क्लिक कर दूँगा तो सीधा हो गया। अब फ्रिज का मतलब होता है कि इसको जैसे क्लिप बनता है आपका, तो क्लिप को कट कर देगा। जैसे मैं इस पर फ्रिज पर क्लिक करता हूँ, देखिए बीच से जहाँ प्लेबैक है वहीं से स्प्लिट कर देगा। यहाँ से स्प्लिट करना है तो मैं फ्रिज पर क्लिक करूँगा, देखिए वहाँ से फ्रिज हो गया। अब आगे चलते हैं रिवर्स का क्या मतलब होता है। रिवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए आदमी आगे जा रहा है,
मैं इसको रिवर्स करूँगा तो अगर ये वीडियो चलेगा तो पीछे आता दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पर प्लेबैक ले जाकर रिवर्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब रिवर्स हो गया, मैं इसको प्ले करूँगा तो क्या होगा देखना। देखिए पीछे आ रहा है, आगे जा रहा था लेकिन पीछे आ रहा है, रिवर्स हो गया है। देखिए पीछे आ रहा है, अब आगे चलते जूम। जूम का मतलब मान लीजिए कि मुझे वो समुद्र की लहर को जूम करके दिखाना है इतने से क्लिप में, तो मैं जूम पर क्लिक। आगे देखते हैं जूम। जूम एक एनिमेशन है जिसे आप मान लीजिए कि धीरे धीरे बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए जूम पर मैं क्लिक करता हूँ और ये एनिमेशन धीरे धीरे छोटा होगा। जूम इन का मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा अपने हिसाब से। मूव लेफ्ट का मतलब धीरे से धीरे धीरे राइट जाएगा। मूव राइट का मतलब राइट से लेफ्ट आएगा। और मूव अप का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। मूव डाउन का मतलब ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे वीडियो यहाँ से अपने सेट कर सकते हैं। उसके मूव फॉरवर्ड का मतलब कि इसको आगे आप भेज सकते हैं। देखिए जैसे ये आगे चल गया, इतना होने के बाद चलिए हम और ऊपर के ऑप्शनों को जान लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे ऊपर है ऐड म्यूजिक। ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला। इसमें आप अपने वीडियो में अलग से कोई ऑडियो डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं डाल रहा हूँ, इस पर टैप करेंगे एक बार, म्यूजिक अपने फाइल से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला म्यूजिक सेलेक्ट करना है, ये वाला मैं इसको चूज कर लूँगा। देखिए म्यूजिक आ गया। उसके बाद ये सही का निशान जो है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए म्यूजिक ऐड हो गया इसमें। आप इसका बीट भी देख सकते हैं, म्यूजिक मतलब कहाँ आवाज़ ज़्यादा है कहाँ कम है। इस पर बीट, उस पर म्यूजिक पर सेलेक्ट करके बीट पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपको ग्राफ दिखा रहा है, आप अपने हिसाब से बीट सेट कर सकते हैं, इस पर मार्किंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ। फिर आगे जाके यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने का फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बीट पर आपको एनिमेशन देना है या कोई ब्लिंकिंग इफेक्ट देना है तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप इस पर सही के निशान पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए इस बीट पर मुझे कोई एनिमेशन देना है तो इस बीट पर मैं ले जाऊँगा अपना प्लेबैक। उसके बाद एफएक्स में जाऊँगा और इसमें से कोई एनिमेशन दे दूँगा। देखिए थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ। अब देखिए जब वो बीट आएगा तो एनिमेशन आएगा। देखिए ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब मान लीजिए मेरे चैनल का नाम देना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसमें डाल देंगे। यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसमें अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा। ऐसे फांट भी चूज कर सकते हैं, कौन सा फांट रहेगा, ये वाला फांट बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसको आगे तक स्ट्रेच कर दिए, मतलब पूरे चैनल तक रहे, पूरे वीडियो तक रहेगा। ये हो गया। अब इसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद मान लीजिए मुझे चैनल का कोई लोगो देना है तो टेक्स्ट के नीचे वाला जो है वो लोगो डाल सकते हैं, कोई फ़ोटो इस पर लगा सकते हैं। तो आप इस पर टाइप करेंगे, आप इस लोगो भी डाल सकते हैं, कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई स्टिकर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्टिकर लगाना है तो मैं स्टिकर पर क्लिक करूँगा। स्टिकर इसमें नहीं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो हो जाता है। लेकिन मैं इस पर अपना लोगो चैनल का लगाता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और गैलरी में जाके कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके इसमें लोगो डाल सकते हैं। मान लीजिए इसका मुझे, मैं कोई भी रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मैं यहाँ पर इसको लगा दूँ। मान लीजिए मेरा लोगो है, ऐसे हो गया। इसको पूरी पूरा स्ट्रेच कर देंगे आगे तक कि पूरे वीडियो में रहेगा। देखिए इसे इतना करने के बाद अगर आप चाहेंगे कि हम वीडियो सेव कर लें अपने गैलरी में, यहाँ देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियो सेव हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो सेव कर लेता हूँ, मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ।
उससे पहले आप जान लीजिए अंडू ये इस बटन का क्या काम है। इनका काम ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ये लोगो लगाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि लोगो हट जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए इसका मतलब होता है अंडू। अब जैसे मान लीजिए कि लोगो हट गया, मैं चाहता हूँ फिर लाना, तो मैं इसको इसका मतलब होता है रीडू, मतलब आगे आपका जाएगा। ठीक, चलिए मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अपना एक्सपोर्ट ओरिजिनल पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो अपने हिसाब से एक्सपोर्ट करके आपको दे देगा। यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितना पर मेरा वीडियो रहेगा। मेरा 1080 पर इतने पर डिफ़ॉल्ट करके मैं सही के निशान पर टिक कर दूँगा। उसके बाद कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरा वीडियो एल्बम में सेट हो गया है, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला वीडियो है, मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए ये इतना ऐसे आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने, और भी इसके लगा के और इससे बढ़िया आप एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर हम